हे गाइस वेलकम टू द स्टडी विद माओंक मैं हूं आपका मायाक हम लोग यहां पर एन सी ज्योग्राफी क्लास इलेवेंथ की पाठपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं आज आपका इसी क्रम में अध्याय सातवां है यहां पर हम भू आकृतियाँ तथा उनके विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है भू आकृतियाँ तथा उनके विकास के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है पहला है स्थलखंड के छोटे एवं मध्यम आकार के भूखंड को स्थलाकृति या भूआकृति कहते हैं प्रत्येक भूआकृति की अपनी भौतिक आकृति आकार और पदार्थ होते हैं अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं तीव्र गति से कार्य करती हैं जलवायु संबंधी बदलाव या स्वयं की प्रक्रिया से भूआकृतियां रूपांतरित हो जाती हैं आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है स्थलखंड के छोटे और मध्यम आकार के भूखंड को स्थलाकृति या फिर भूआकृति कहते हैं तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है प्रत्येक भूआकृति की अपनी भौतिक आकृति आकार और पदार्थ होते हैं जो कि कुछ प्रक्रियाओं और उनके कारकों के द्वारा निर्मित होते हैं तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है तीसरा वाला कथन आपका गलत है अधिकतर भूआकृतिक प्रक्रियाएं तीव्र गति से नहीं बल्कि ये धीमी गति से कार्य करती हैं यानी इनको घटित होने में हजारों साल लग जाते हैं तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है जलवायु संबंधी बदलाव हैं या फिर स्वयं की प्रक्रिया के द्वारा भी ये रूपांतरित हो जाती हैं एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है यहां पर आपका केवल एक दो और चार कथन सही है तो आपका सही आंसर है पहले का सी केवल एक दो और चार दूसरा प्रश्न है बाप का निम्नलिखित में से कौन से अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं पवन हिमनद, प्रवाहित जल भूमिगत जल पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात वह आकृतिक कारक जैसे आपके प्रवाहित जल भूमिगत जल वायु हिमनद और तरंग ये अपर्दन करते हैं निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से धरातली स्वरूप में भी परिवर्तन आता है तो यहां पर आपका पहला और दूसरा तीसरा चौथा ये सभी कारक जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं यानी अपर्दन के लिए भी और निक्षेपण के लिए भी तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी यानी कि उपरोक्त सभी तीसरा प्रश्न अब आपका स्थलगत प्रवाह ओवर एंड फ्लो की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव के द्वारा जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात लुप्त हो जाते हैं तरुणावस्था युवावस्था अंतिम प्रोणावस्था वृद्धावस्था ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है देखिए स्थलगत प्रभाव की प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे यहां पर अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात इसमें विलुप्त हो जाते हैं यह तरुणावस्था से संबंधित है तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए तरुणावस्था चौथा प्रश्न अब आपका निम्नलिखित में से किस वाकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का विकास होता है हिमनद प्रभावित जल सागरी तरंग भौमजल अभी मैंने आपको स्थलगत प्रवाह के बारे में बताया था स्थलगत प्रवाह जो है ये परतअपर्दन का कारण है स्थलगत प्रवाह से परत परतअपर्दन होता है और अभी प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव जो होता है वो अधिक होता है और ऐसे करके अनियमितताएं होती हैं जलप्रपात सोपानी जलप्रपात यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं इसके बाद प्रारंभिक के बाद आ जाती है मध्यावस्था मध्यावस्था में सरिताएँ जो हैं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्वपर्धन अधिक करती हैं तो ऐसा जो पार्शर्धन जब होता है तो यहां पर संप्राय मैदान बनते हैं तो संप्राय मैदान प्राय प्रवाहित जल से बनते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला पांचवा प्रश्न है आपका स्थलगत प्रभा ओवरलैंड फ्लो की मध्यावस्था में एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं इन्हें क्या कहते हैं पेनी प्लेन क्षिप्रका प्राकृतिक तटबंध मोनो मोनाडनोक डनौक देखिए मध्यावस्था में स्थलगन प्रवाह की जो मध्यावस्था होती है इसमें सरिताएं जो होती हैं नदियां जो होती हैं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व पार्श्वपर्दन अधिक होता है कालांतर में घाटियों के जो किनारों के ढाल हैं ये मंद हो जाते हैं और इस प्रकार बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें जहां तहां अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं और इन्हें मोनाडनोक कहते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवे का डी मोनाडनोक छठवा प्रश्न है आपका प्रवाहित जल द्वारा होने वाले अपर्दन और निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है अगला है प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही कम निक्षेपण होगा लगातार अपदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व पार्श्वपर्दन बढ़ जाता है स्थलगत प्रभाव परत अपर्दन का कारण है देखिए प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं एक धरातल पर, पर परत के रूप में फैला हुआ प्रभाव और दूसरा आता है इसमें रैखिक प्रभाव रैखिक प्रभाव में घाटियों में जो बहने वाली नदियां हैं तो वो इसी के अंतर्गत आती हैं घाटियों में बहने वाली नदियां वो इसी प्रभाव के अंतर्गत आती हैं तो प्रभावित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित होते हैं और जैसे जैसे ढाल बाद में मंद होता जाता है वैसे वैसे निक्षेपण आरंभ होता है यानी जितना ढाल मंद हो जाएगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ कम नहीं जितना ढाल कम हो जाएगा यानी आप समझ रहे हैं स्लोप जैसे जैसे कम होती जाए मान लीजिए कोई नदी यहाँ पर फ्लो कर रही है एक नदी इस तरह से फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ढाल यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर नदी की जो वेग है वो काफ़ी ज्यादा होगा अब मान लीजिए कोई नदी इस तरह से प्लेन में बह रही है तो प्लेन में बह रही है उसका वेग यहाँ की तुलना में काफी कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर निक्षेपण ज्यादा होगा यानी प्रभावित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा तो यहाँ पर आपका बी वाला जो कथन है इस वजह से गलत हो जाएगा सी वाला कथन बिल्कुल सही है लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां जो हैं समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन भी सही है डी वाला कथन भी सही है जो आपका स्थलगत प्रभाव है ये परत अपर्दन का एक कारण है तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है यहाँ पर आपका केवल बी वाला जो कथन है ये गलत है तो आपका आंसर है छठवें का बी सातवां प्रश्न है अब आपका प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमिलित हैं युवावस्था उथली वी आकार की घाटी प्रौणावस्था प्राकृतिक तटबंध वृद्धावस्था गोखुर झील देखिए अगर हम युवावस्था की बात करें तो इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है और ये नदियां उथली वी आकार की जो घाटियां होती हैं इनमें बहती हैं और बी आकार की घाटियां ये बनाती हैं यहाँ पर आप देखेंगे युवावस्था में जो बाढ़ के मैदान है वे लगभग अनुपस्थित होते हैं और जहाँ तहाँ होते भी हैं तो बहुत संकरे होते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जो युवावस्था है यहाँ पर हमें उथली वी आकार की जो घाटियाँ हैं ये देखने को मिलती हैं प्रौणावस्था की बात कर लें तो देखिए प्रौणावस्था में नदियों में जो है जल की मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पर नदियों में जल की मात्रा बढ़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ भी आकर इसमें मिल जाती हैं नदी घाटियाँ यहाँ पर वी आकार की होती हैं लेकिन पौराणावस्था में नदी घाटियां और ज्यादा गहरी हो जाती हैं यानी यहां पर युवावस्था में नदी घाटियां भी आकारी घाटियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं पुराणावस्था में इनका आकार और ज्यादा गहरा हो जाता है यानी मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यानी कि प्रौणावस्था में यहां पर विस्तृत बाढ़ मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि युवावस्था में नहीं होते हैं ये ध्यान देना जबकि जो प्राकृतिक तटबंध वगैरह वाली व्यवस्था है ये वृद्धावस्था से संबंधित है ना कि प्रौणावस्था थी सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा अब देखिए जो आपकी प्रौणावस्था है यहाँ पर जल प्रपात और छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं वृद्धावस्था में हम आते हैं तो वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम हो जाती हैं और ढाल मंद होता है नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत वाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्भ प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील इत्यादि बनाती हैं तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है यानी वृद्धावस्था में गोखुर झील प्राकृतिक तटबंध और नदी विसर्ग बनते हैं तो यहां पर आपका केवल एक और तीन कथन सही है तो आपका सही आंसर है सातवें का भी केवल एक और तीन आठवां प्रश्न है आपका नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है पहला है प्रवाहित जल की युवावस्था में बाढ़ के मैदान उपस्थित होते हैं प्रौणावस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है अनावरित कठोर चट्टानों पर जलप्रपात व छिप्रकाएं बन जाते हैं वृद्धावस्था में नदियों के विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं देखिए युवावस्था में मैंने आपको अभी बताया था कि युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है और जो नदियाँ होती हैं वो वी आकार की घाटी बनाना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ पर बाढ़ के मैदान पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं और कहीं कहीं होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा अत्यंत संकरे होते हैं उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा प्रौणावस्था में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है बढ़ने का रीजन ये है कि सहायक नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं यहां पर लिखा हुआ है कि अनावृत कठोर चट्टानों पर जलप्रपात या छिप्रिकाएँ बन जाती नहीं जो अनावृत कठोर चट्टाने होती हैं इनकी वजह से जलप्रपात और छिप्रिकाएँ यहां पर प्रौणावस्था में लुप्त हो जाती हैं तो यहां पर सेकेंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है आधा सही है आधा गलत है क्योंकि तो अनावृत कठोर चट्टानों पर जलप्रपात और छिप्रिकाएँ बनते नहीं हैं बल्कि यहां पर विलुप्त हो जाते हैं वृद्धावस्था में नदियों के विभाजक काफी बड़े हो जाते हैं उनका रीजन ये है क्योंकि वृद्धावस्था तक नदियों का जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है वेग उतना होता नहीं है तो बहुत ज़्यादा निक्षेपण होता है तो निक्षेपण होने की वजह से यहाँ पर जो नदियों को विभाजित करने वाले विभाजक हैं निक्षेपण के उपरांत काफ़ी बड़े हो जाते हैं और समतल होते हैं इनमें आपको झील दल दल ये सब देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन केवल सही है तो आपका सही आंसर है आठवें का डी केवल थर्ड नौवा प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में ऐसे कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनी हैं गार्ज पंख कैनियन नदी वेदिकाएं नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों में घाटियाँ होती हैं और घाटियों में आपकी तीन प्रकार की घाटियाँ आती हैं एक तो वी आकार की घाटियाँ आ जाती हैं इसमें गार्ज आ जाते हैं और इसमें कैनियन आ जाते हैं तीन प्रकार की आपको स्थलाकृतियाँ घाटियों में देखने को मिलेंगी यहाँ पर गार्ज सही है पंख जो है ये निक्षेपण से बनने वाली करती है तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा थर्ड वाला कैनियन भी है इसके अलावा यहां पर जलगर्द का अवनमित कुंड अधिकर्तित विसर्प और नदी वेदिकाएं भी बनती हैं तो निक्षेपण से बनने वाली करती यहां पर जरूर पंख है जबकि अपर्दन से बनने वाली यहां पर गार्ज कैनियन और नदी वेदिकाएं हैं तो आपका सही आंसर है नौवे का ए केवल एक तीन और चार दसवां प्रश्न है अब आपका जल अपर्दन से निर्मित विभिन्न प्रकार की घाटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, है पहला है लंबाई चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर घाटियाँ वी आकार घाटी गार्ज कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है जबकि कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग पर अधिक चौड़ा होता है गार्ज का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षेत्रज स्तरण में पाए जाने से होता है और कैनियन कठोर चट्टानों में बनता है देखिए लंबाई चौड़ाई और आकृति के आधार पर जो घाटियां होती हैं वो तीन प्रकार की हैं मैं दिखा दे रहा हूं वी आकार की घाटियां कुछ इस तरह से होती हैं यानी उनकी फॉर्मेशन वी आकार की होती है इसके अलावा गार्ज जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं यानी ये गार्ज की संरचना है ये वाली संरचना आपकी गार्ज की संरचना है अब यहां पे कैनियन की बात कर लें तो कैनियन का आकार कुछ इस तरह से हो जाता है यानी कि ये कुछ इस तरह से फैला हुआ ऊपरी हिस्सा ये फैला हुआ ये पूरा आपका कैनियन है तो आई होप आप डिफरेंस जो है वो जान पाए होंगे ये वी आकार की घाटी है ये गार्ज है और ये कैनियन है तो यहां पर पहला वाला कथन भी सही है और सेकंड वाला भी सही है यानी गार्ज की चौड़ाई जो है इसके तल से यानी नीचे भी लगभग यहां पर समान है ये वाली चौड़ाई और ऊपर भी जो हिस्सा है, है ये समान है जबकि जो कैनियन है इसका तल की अपेक्षा ऊपरी भाग काफी चौड़ा हो जाता है इसका तल जो है ज्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन ऊपरी भाग काफी चौड़ा है तो सेकंड वाला कथन सही है तीसरा वाला जो कथन है यह कथन सही नहीं है कैनियन का निर्माण देखिए गार्ज का निर्माण नहीं होता है बल्कि कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों के क्षेत्र स्तर में पाए जाने से होता है जबकि गार्ज जो है ये कठोर चट्टानों से निर्मित होता है तो गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों से होता है और कैनियन का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से होता है तो यहां पर आपका थर्ड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है केवल सी वाला यानी केवल थर्ड जो आपका है यह कथन गलत है तो आंसर है दस का सी ग्यारह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गर्तिका को परिभाषित करता है नदी निक्षेपित बाढ़ के मैदान में लंबत अपर्धन पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपर्धित छोटे चट्टान टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना नदियों द्वारा कठोर चट्टानों को गहराई से काटकर विस्तृत विसर्पों का निर्माण करना मैदानी क्षेत्रों में नदी जल में निर्मित भंवर देखिए पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टान टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं और इन्हें जल गर्तिका कहते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है ग्यारह का बी वाला बारहवा प्रश्न है बाप का अवनमित कुंड का निर्माण कहां होता है लबड़ी झील में समुद्री डेल्टा में पहाड़ों के ऊपर जलप्रपात के तल में जलप्रपात के तल में एक गहरे और बड़े जो जलगर्तिका है इसका निर्माण होता है और ये जल के ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से ये जो आपका अवनमित कुंड है या जलगर्तिका निर्मित होती है तो जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहा जाता है और ये तल में निर्मित होते हैं यानी जब जलप्रपात का जल ऊंचाई से गिरेगा तो इसके साथ कुछ चट्टानी पदार्थ भी आ जाते हैं यानी पत्थर भी होते हैं तो पत्थरों के गिरने की वजह से यहां पर घरसड़ से इसके अपक्षय होने से जल की जो अपक्षय करता है चट्टानों का इसकी वजह से यहां पर एक जल जलगृतिका बन जाती है गड्ढा बन जाता है और ये लगातार बड़ा होता चला जाता है और इसी को अवनमित कुंड भी कहा जाता है तो यहां पर आपका सही आंसर है बार्य का डी वाला तेरहवा प्रश्न है आपका गंभीरभूत विसर्प व नदी वेदिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है पहला है कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए विस्तृत विसर्पों को अधयकर्थित विसर्प या गूत विसर्प कहा जाता है अगला है यहाँ पर नदी वेदिकाओं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं इनको अध्ययकथित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबत अपर्दन से निर्मित होती हैं इसके अलावा यहां पर आप ये देखेंगे विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं आपको देखने को मिल सकती हैं और ये वेदिकाएं नदी के आरंभिक जलस्तर को दर्शाती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है तो आपका सही आंसर है तेरह का सी यानी एक और दो दोनों चौदहवा प्रश्न है का निम्नलिखित में से कौन सी सिलाकृतियां नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है जलोड़ पंख डेल्टा प्राकृतिक तटबंध अध्यकर्थित विसर्भ देखिए जलोड़ पंख डेल्टा प्राकृतिक तटबंध ये तीनों ही आपकी निक्षेपित पदार्थों से बनी स्थलाकृतियां हैं जबकि अध्य करतृत विसर्भ या गीरीभूत विसर्भ जो है ये आपके अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति है तो यहां पर आपका केवल एक दो और तीन सही है तो आंसर है चौदह का डी केवल एक दो और तीन पंद्रहवा प्रश्न है अब आपका जलोड़ पंख और डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको बताना है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है पहला है जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोड़ पंखा निर्माण होता है यदि नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे पर बिखेर देती है तो डेल्टा का निर्माण होता है डेल्टा के विपरीत जलोड़ पंखों का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोड़ स्तरित होता है देखिए पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है जलोड़ पंख तब बनते हैं जब नदी ऊंचे स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो ऐसे जगहों पर पंख का निर्माण होता है यानी कुछ इस प्रकार के पंख होते हैं आपके इस तरह का पंख आपको देखने को मिलेगा आपकी किताब में दिया हुआ इमेज है तो ये पंख इस तरह से बन जाता है और यही मान लीजिए नदी नदी का जो ढाल मंद हो जाए नदी का बेग कम हो जाए और जो नदी अपना निक्षेपण है ये समुद्र के किनारे करे और वहां पर जो निर्माण होगा उसको डेल्टा कहेंगे यदि नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे पर बिखेर देती है तो डेल्टा का निर्माण होता है तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है देखिए तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है जरोड़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप जो होता है व्यवस्थित होता है यानी डेल्टा के निक्षेप में क्या होता है पहले भारी या स्थूल पदार्थ आ जाते हैं और बाद में जो है महीन पदार्थों का यहां पर निक्षेपण होता है यानी पहले स्थूल पदार्थ होते हैं और बाद में महीन होते हैं जबकि जरोड़ पंखों में क्या होता है सब कुछ मिक्स होता है जरोड़ पंखों में भारी पदार्थ और महीन पदार्थ एक ही साथ पाए जाते हैं जबकि डेल्टाओं में क्या है शुरुआती क्षेत्रों में आपको भारी पदार्थ देखने को मिलेंगे और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे तो महीन पदार्थ देखने को मिलेंगे तो जलोड़ पंख के विपरीत डेल्टा का जो निक्षेप है ये व्यवस्थित होता है और इनका जो जलोड़ होता है वो स्तरित होता है यानी इसमें बारीक कड़ जैसे चीका मिट्टी गाद आदि ये पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है केवल एक और दो कथन सही है तो आपका सही आंसर है पंद्रह का ए केवल एक और दो सोलहवा प्रश्न है आपका बाढ़ व डेल्टाई मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है पहला है बाढ़ के मैदान नदी अपन के मुख्य स्थल रूप हैं तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है बाढ़ के मैदान नदी अपर्तन के मुख्य स्थल रूप नहीं है बल्कि नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है यानी बाढ़ के मैदानों का जो निर्माण है वो निक्षेपण से होता है नदी निक्षेपण से होता है यानी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उन अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेकेंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं और असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं इन्हें मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं एक तो बाढ़ निक्षेप और दूसरा सरिता निक्षेप तीसरा वाला कथन पर बिल्कुल सही है ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं तो यहां पर आपका केवल सेकेंड और थर्ड कथन सही है तो आपका सही आंसर है सोलह का भी केवल दो और तीन सत्रहवा प्रश्न है आपका नदी विसर्प और प्राकृतिक तटबंध के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है पहला है प्राकृतिक तटबंध स्थल रूप का संबंध बाढ़ के मैदान से है बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियां नदियों द्वारा विकसित रूप को विसर्प कहा जाता है विसर्पों के अंदरूनी भाग अपर्दन के कारण कट जाते हैं और प्लाया झील बन जाती है देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रो आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं और ये बाढ़ के मैदानों से संबंधित है तो प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोजगार का जो संबंध है वो बाढ़ के मैदान से है तो पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे जैसे नदी अपनी मध्यावस्था में पहुंचती है यहां पर इस तरह से विसर्प बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो बाढ़ बाढ़ डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा जो विकसित लूप हैं इनको विसर्प कहा जाता है तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है अगला वाला जो कथन है ये गलत है जो विसर्पों के अंदरूनी भाग होते हैं यानी मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है ऐसे करके और ये हिस्सा कट जाए और ये नदी यहां से यहां जुड़ जाए और ये हिस्सा बिल्कुल पृथक हो जाए ऐसे करके तो इस प्रकार की जो झीलें बनेंगी उनको प्लाया झील नहीं कहते हैं बल्कि उनको गोखुर झील कहा जाता है ना कि प्लाया झील तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा प्लाया झील का संबंध मरुस्थल से है जबकि गोखुर झील का संबंध आपके विसर्पी नदी का जो विसर्पी रूप है इससे है तो यहां पर आपका केवल एक और दो कथन सही है तो आपका सही आंसर है सत्रह सी केवल एक और दो अठारहवा प्रश्न है आपका गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं नदी तट पर अपर्दन एवं निक्षेपण नदी में जल की मात्रा नदी में जलोड़ की अधिक मात्रा गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपर्दन और निक्षेपण आवश्यक है नदी तट पर अपर्दन और निक्षेपण आवश्यक है या जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जल जलोड़ जो है अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत मिट्टी बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाता है जल प्रभाव की ये वितरिकाएँ आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती हैं इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है तो यहाँ पर केवल एक और तीन कथन आपका सही है तो आपका सही जो आंसर होगा यहाँ पर अठारह का बी केवल एक और तीन उन्नीसवा प्रश्न एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी-नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है आकार घाटी अंधी घाटी गार्ज कैनियन ये प्रश्न आपकी अभ्यास से है यानी एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता क्या है सीढ़ी-नुमा खड़े ढाल यानी की तरह इसके क्या है खड़े ढाल है ऐसे करके। ऐसे करके खड़े ढाल हैं घाटी की बात हो रही है तो घाटी में इस तरह के जो ढाल हैं ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये कैनियन की ओर इशारा कर रहे हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है निष्का डी क्योंकि कैनियन जो है इसका तल कम चौड़ा जबकि ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है यानी जिस तरह का सीडी नोमा प्रारूप बताया गया है वो कैनियन से संबंधित है तो यहां पर आपका सही आंसर है निष्का डी वाला बीसवा प्रश्न है बाप का निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अभक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अभक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है आंध्र प्रदेश शुष्क प्रदेश चूना पत्थर प्रदेश हिमलत प्रदेश चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय या भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण और अवक्षेपण के माध्यम से अनेक स्थल रूपों का विकास करता है तो ये चूना पत्थर प्रदेश से संबंधित है तो यहां पर आपका सही आंसर है बीसवे का सी वाला इक्कीसवा प्रश्न है बाप का काष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है भौम जल के द्वारा सागरी तरंगों के द्वारा हिमनदों के द्वारा पवनों के द्वारा किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल के द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृतियों के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपका सही आंसर है किसका ए वाला बाईसवा प्रश्न है आपका डोलाइन युवाला तथा लेपिस किसके उदाहरण हैं भौमजल द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियों का भौमजल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों का हिमनदन द्वारा अपर्दित स्थल रूप का या पवनों द्वारा अपर्दित स्थल रूप का है, डोलाइन घाटी रंध्र या युवाला और लेपीज ये भौमजल के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थल रूप हैं तो यहां पर ये भौम जल के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां हैं तो आपका सही आंसर है बाईस का ए वाला तेईसवा प्रश्न है आपका चूना पत्थर चट्टानों में घोल रंध्र से बनी संरचनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है डोलाइन दो ध्वस्त गोल रंध्र युवाला घोल रंध्र और डोलाइन के मिलने से बनी लंबी तंग तथा विस्तृत खाइया अगला है लेपिस युक्त चट्टानी क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक इनको लेपिस के रूप में जानते हैं तो देखिए ध्वस्त जो घोल रंध्र होते हैं इनको डोलाइन कहा जाता है तो पहला वाला यहां पर युग्म सही सुमिल है सेकंड वाला जो युग्म है ये भी बिल्कुल सही है जो आपका युवाला है युवाला का जो विकास होता है वो घोल रंध्र और डोलाइन के मिलने से बनी एक लंबी तंग और विस्तृत खाइयों के रूप में होता है तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है यानी जब घोल रंध्र और डोलाइन कंदराओं की छत गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में ये दोनों मिल जाते हैं तो लंबी तंग और विस्तृत खाइया बनती हैं इन्हें घाटी रंध्र या फिर युवाला कहा जाता है यानी इनको घाटी रंध्र भी बोला जाता है इनका एक दूसरा नाम भी है इसमें इन्हें घाटी रंध्र कहा जाता है तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है लेपिस लेपिस कहां बनते हैं अब देखिए लेपिस आपने घाटी रंध्र या युवाला की प्रक्रिया देख ली है इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं इनको लेपीज के नाम से जाना जाता है यानी चूनायुक्त चट्टानी क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटकों को लेपीज कहा जाता है तो यहां पर आपका एक दो और तीन तीनों ही युग में सही सुमिलित हैं तो आपका सही आंसर है तेईस का डी एक दो और तीन चौबीसवा प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है स्टेलेक्टाइड कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं देखिए जो आपके स्टेलेग्माइट हैं ये कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यानी जो कंदराओं का जो फर्श है ये इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वास्तव में जो स्टेलेग्माइट है ये कंदराओं की छत से यानी कंदराओं की जो छत है ये आपकी कंदरा है इसकी जो छत है और छत के धरातल पर जो टपकने वाला चूना मिश्रित जल है इससे ऐसे करके बनते हैं ये नहीं बनते हैं बल्कि बनते हैं जबकि जो होते हैं हैं वो आधार से बनते तल से बनते हैं बिल्कुल नीचे ठीक है ठीक नीचे पतले रूप में ऐसे करके स्टेलिकटाइट बनते हैं तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा यानी कुछ इस तरह से बनते हैं और और जो स्टेलिकमाइट है वो आपके इस तरह से बनते हैं सेकेंड वाला कथन बिल्कुल सही है विभिन्न मोटाई के स्टेलमाइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है तो आपका सही आंसर है यहां पर बी केवल सेकंड आपको फिर से बता दे रहा हूं जो स्टेलेग्माइट होते हैं वो कंदराओं की जो छत है तो छत से जो टपकने वाला जो पानी है चूना मिश्रित जल है इसकी वजह से बनते हैं यानी ये स्टेलेग्माइट है फिर रहा मैं यहां पर और ये स्टेलेक्टाइट है तो यहां पर आपका सही आंसर है चौबीस का बी वाला पच्चीसवा प्रश्न है आपका हिमनद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है वृहद समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद कहते हैं प्रभावित जल के विपरीत हिमनद प्रभाव बहुत तीव्र होता है हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रभा या फिर पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रभा के रूप में बहते हिम हिमसहनति को हिमनत के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है बृहस्त समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपी हिमनत या गिरिपद हिमनत कहते हैं अब देखिए हिमनतों का जो प्रभाव होता है ये बहुत अत्यधिक मंद होता है यानी एक दिन में ये कुछ सेंटीमीटर ही घिसक पाते हैं तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा यानी कि बहुत तीव्र नहीं होता है बल्कि बहुत मंद या फिर धीमा होता है तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है यहां पर आपका केवल एक और तीन कथन सही है तो आपका सही आंसर है पच्चीस का ए केवल एक और तीन छब्बीसवा प्रश्न है अब आपका हिमनद के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थल रूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है यानी यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है पहला है अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं सर्क के शीर्ष पर अपर्जन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं हिमनद घरते जिनमें समुद्री जल भर जाता है उन्हें अरेत कहते हैं हिमानीकृत घाटियां अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं देखिए हिमनद के द्वारा बनने वाले स्थल रूपों में सर्क हॉर्न और हिमानीकृत जो घाटियां हैं ये शामिल हैं हिमानीकृत घाटियां या, या फिर गर्द ये शामिल हैं तो इनमें जो सड़क की बात कर लें तो अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है सर्क जो होते हैं गहरे लंबे और चौड़े गड्ढे हैं इनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या फिर अवतल होती है तो यहां पर आपका ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बी वाला जो कथन है ये भी सही है सड़क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं और यदि तीन या अधिक विकीडित हिमनत लगातार शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक कि उनके तल आपस में मिल ना जाएं तो ऐसे में एक न्युकली चोटी बनती है जो उन्हें हॉर्न के रूप में जाना जाता है वास्तव में आपकी जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है वो भी एक हॉर्न ही है यानी वो भी सर्क के अपर्दन से बनने वाली एक हॉर्न है तो यहां पर आपका बी वाला कथन सही है सी वाला कथन जो है ये गलत है गहरी हिम्मत घरते जिनमें समुद्री जल भर जाता है उन्हें अरेत नहीं कहते हैं बल्कि उन्हें फियोड़ कहा जाता है यानी मान ली समुद्री तटरेखा है बगल में और समुद्री तटरेखा होने की वजह से जो हिम्मत के गड्ढे बन रहे हैं उनमें समुद्री जल भर जाए तो ऐसे स्थलों को फियोड कहते हैं ना कि अरेत अरेत क्या होता है अरेत जो है ये सर्क से ही बनते हैं जब लगातार सर्क का अपर्दन होता है और सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार एक कंघी के समान ऐसे हो जाता है तो इसे अरेत संरचना कहते हैं इसको अरेत कहा जाता है आरी के समान हो जाती है इसलिए इसे अरेत कहा जाता है हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं इनके तल चौड़े किनारे चिकने और ढाल जो होते हैं तीव्र होते हैं तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी सही है यहां पर आपका केवल सी वाला कथन गलत है तो आंसर है आपका छब्बीस का सी सत्ताईसवा प्रश्न है अब आपका सर्क गर्त में हिमनत के पिघलने पर जल से भरी झीलों को क्या कहते हैं प्लाया झील गोखुर झील विवर्तनिक झील टॉर्न झील देखिए सर्क के गर्त में हिमनद के पिघलने से जल से भरी झील को टॉर्न झील या फिर सर्क झील कहा जाता है इसको सर्क झील भी कहते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का डी वाला 28वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खाँच हों तो देखिए ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है आपको लेपीज के बारे में बताया था कि लेपीज जो संरचनाएं हैं ये चूना क्षेत्रों में बनती हैं तो ये अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक और खाँच हों तो उनको लेपीज के रूप में परिभाषित किया जाता है यानी कि लेपीज जो है ये चूना क्षेत्रों में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक होते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है अट्ठाइस वा किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर्ग सर्क हिमोड़ घाटी हिमनद एसकर यह प्रश्न भी आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है अभी हमने सर्ग की विशेषताओं के बारे में बताया था सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है और ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है का ए वाला। तीसवा प्रश्न है आपका हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूपों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है पहला है पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलाश्क के रूप में जाना जाता है हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत प्राय स्त्रीकृत व वर्गीकृत होते हैं देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या फिर हिमनद गोलास्थ के रूप में जाना जाता है सेकेंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है जो हिमोड़ निक्षेप है यानी हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत जो होते हैं ये प्राय स्तरीकृत होते हैं यानी इनमें स्तर देखने को मिलते हैं यानी मोटी कंकड़ उसके बाद पतली महीन तो उनमें स्तर देखने को मिलते हैं और हम उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं तो यहां पर आपका ए और बी दोनों ही कथन सही हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर सी हिमनद के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने सरताएं बनती हैं और कुछ मात्रा में सेल मलवा इस पिघले जल से बनी सरता में प्रवाहित तो होकर निक्षिपित होता है और ऐसे हिमनदी जलोड़ निक्षेप को हिमानी धौत के रूप में जाना जाता है तो हिमानी धौत को भी आपने जान लिया है तो यहां पर आपकी जो विशेषताएं बताई हैं दोनों ही सही है तो यहां पर सही आंसर होगा तीसमें का सी वाला इकतीसवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए पहला है एसकर बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महादीपी हिमनदों से दूर हिमानी जलोर निक्षेपों से हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं ड्रमलिन का निर्माण हिमनत दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है एस्कर का निर्माण जो है ये ऋतु में हिमनत के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है या फिर इसके किनारों से रिश्ता है या फिर बर्फ के छिद्रों के नीचे से प्रवाहित होता है तो ऐसे में एक वक्राकार कटक का निर्माण होता है जिसको एस्कर के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है सेकंड वाला कथन भी सही है हिमानी गिरपत के मैदानों में अथवा महादीपी हिमनदों से दूर हिमानी जलोड़ निक्षेपों से जिसमें बजरी रेत चीका मिट्टी और मृतिका के विस्तृत समतल जलोड़ पंख भी शामिल हैं इनसे हिमानी धोत दो, मैदान निर्मित होते हैं तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है तीसरा वाला कथन भी सही है ड्रमलिन ड्रमलिन जो है ये हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है और इसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं ड्रमलेन के लंबे भाग हिमनत के प्रभा की दिशा के समानांतर होते हैं ड्रमलेन का निर्माण हिमनत के दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है तो यहां पर आपका एक दो और तीन तीनों ही कथन सही है तो आपका सही आंसर है इकतीस का डी एक दो और तीन बत्तीसवां प्रश्न अब आपका समुद्री तरंगों व धाराओं के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है पहला है तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग के जलमग्न होने से फिओ तट बनते हैं अगला है रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उसे लैगून कहते हैं अगला है रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध करके तटीय मैदान का यहाँ पर निर्माण करते हैं पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तटरेखाएँ अनियमित होती हैं और नदियां यहाँ पर जलमग्न प्रतीत होती हैं तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ पर फिओढ़ तट बनते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है सेकेंड वाला जो कथन है ये गलत है यहां पर लिखा हुआ है कि रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उसे लैगून कहते हैं नहीं रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उन्हें लैगून नहीं कहते हैं बल्कि उन्हें उन्हें स्पिट स्पिट कहते हैं कहा जाता है ना कि लैगून थर्ड वाला कथन यह यहां पर गलत है यहां पर बताया गया रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध करके तटीय मैदान का निर्माण करते हैं यहां पे तटीय मैदान नहीं बनता है बल्कि इनसे यानी इनके द्वारा लैगून का निर्माण होता है यानी यहां पे तटी मैदान का निर्माण ना होकर यहां पर लैगून बनता है तो यहां पर आपका एक कथन केवल सही है दो और तीन यहां पर गलत है तो आपका सही आंसर है बत्तीस का भी केवल एक तेतीसवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऊंचा गया है कौन सा कथन सत्य है पहला है भारत का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं भारत के पश्चिमी तट पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला कथन भी सही है अभी आपको बताया था कि यह, हमारा जो पश्चिमी तट है ये ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है तो ऊँचा चट्टानी निवर्तन तट होने की वजह से यहाँ पर निक्षेपण न के बराबर होता है यहाँ पर अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है

देखिए यहां पर पूछा गया है अपर्दन की फलस्वरूप कौन कौन सी बनी है तो तरंग और धाराओं के अपर्दन की फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों में भ्रगु आ जाते हैं वेदिकाएं आ जाती हैं यहां पर कंदराएं इसमें आ जाती हैं स्टैक आ जाते हैं और भ्रगु तो मैंने बताया ही है टिब्बे और पुलिन जो है ये दोनों निक्षेपित स्थलाूप हैं ना कि अपर्दित यानी कि ये निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं तो यहां पर आपका तीन चार पांच और सही है तीन चार पांच और छः तो आंसर है आपका चौंतीस का सी केवल तीन चार पांच और पैंतीसवां प्रश्न है बाप का यदि समुद्री तूफान या सुनामी समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है तो समुद्री अपतट पर बनी विभिन्न स्थलाकृतियों से उनके टकराने का सही क्रम कौन सा है रोध रोधिकाएं पुलिन पुलिन स्तूप रोधिकाएं रोध पुलिन पुलिन स्तूप समुद्र के अपतड पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं यानी रोधिकाएं सबसे पहले नंबर पर आती हैं पहले नंबर पर आपकी रोधिकाएं आ रही हैं उसके बाद क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं इसके बाद रोध आते हैं रोधिकाओं के बाद रोद आते हैं रोध फिर आते हैं पुलिन आते हैं और फिर आते हैं आपके पुलिन स्तूप और बाद में मैंग्रोव जो कि तूफानों की तीव्रता को और इनकी प्रबलता को कम कर देते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है पैंतीस का भी सबसे पहले रोधिकाएं फिर रोध फिर पुलिन फिर पुलिन, पुलिन स्तूप आते हैं तो यहां पर थर्टी फाइव का, का मरुस्थलों से अपक्षय और अपर्दन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है पहला है मरुस्थली चट्टाने अत्यधिक वनस्पति वनस्पतिवहीन होने के कारण तथा दैनिक तापान्तर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं अगला है मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलवा केवल पवन द्वारा ही प्रभावित होता है देखिए पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है मरुस्थली चट्टाने अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रभाव इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से भा ले जाती हैं तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पर पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा और वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है तो यहां पर केवल पवन उत्तरदायी नहीं है बल्कि वर्षा और जो वृष्टि धोवन है जिसको शीटवास कहते हैं इसके द्वारा भी यह प्रभावित होता है तो यहां पर आपका सही आंसर है छत्तीस का एक केवल एक सैतीसवा प्रश्न है आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पास पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहते हैं पीठिका सेल इंसियल वर्ग पेडी प्लेन पेडीमेंट पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडीमेंट कहते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है सैंतीस का डी वाला अड़तीसवा प्रश्न है आपका उथली जल की झीलें प्लाया किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियां हैं बाढ़ के मैदान हिमनद प्रदेश मरुस्थल समोत्तर प्लाया का विकास मरुस्थली क्षेत्रों में होता है मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं, पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवड़ों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं तो ऐसे प्लाया मैदान जो लवड़ों से भरे हों तो वो कल्लर भूमि या फिर छारी क्षेत्र कहलाते हैं तो यहां पर ये आपका सी वाला कथन सही है यानी ये मरुसरी क्षेत्रों में बनते हैं उनतालीसवा प्रश्न है आपका नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल धूलकड़ अब घर्षण से चट्टानी तल पर पहले गर्त गर्त बनाते हैं जिने वात कहते हैं जिन्हें वात कहते नव टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं सीफ कहलाते हैं पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है तीव्र बेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकड़ अब घर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं ये बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है सेकेंड वाला कथन गलत है नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में होती है मान लीजिए पवन ऐसे बह रही है ये और ये नव चंद्राकार टिब्बा इस तरह से बन गया है ठीक है तो इसको बरखान कहते हैं ये जो शिला बनी है इसको बरखान कहते हैं ना कि सीफ सीफ क्या होता है सीफ भी जान लीजिए सीफ इसका हाफ रूप होता है मान लीजिए कुछ इस तरह का एक संरचना बन जाए सी संरचना ऐसी बन जाए तो यह संरचना सीफ कहलाती है और पूरा चंद्राकार रूप में बन जाए तो बरखान कहलाती है तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है केवल सेकंड वाला कथन असत्य है तो आंसर है उनतालीस का बी केवल सेकंड। चालीसवा प्रश्न है आपका विभिन्न स्थल रूपों व उनके निर्माण के कारकों के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए प्रभावित जल देखिए प्रभावित जल से कोखुर झील का निर्माण होता है इसके अलावा हिमनद तो हिमनद से एस्कर बनते हैं इसके अलावा सी यानी जो आपका समुद्री तरंग है समुद्री तरंग स्पिट के लिए जिम्मेदार है यानी समुद्री तरंगें है इनसे स्पिट का निर्माण होता है पवने पवनों से बरखान बनते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है 40 का बी ए का दूसरा बी का चौथा सी का तीसरा और डी का पहला तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद